इडली। बिटली क्या हुआ नटखट परी, आप मुझसे नाराज हो? पर आप कुछ समय से पृथ्वी लोक पे भी नहीं आ रहे हो। तो इसकी वजह भी तुम ही हो बालवी। मैं? मैंने क्या किया नटखट परी? क्यों, तुम ही तो लेकर आए थे ना भयंकर परी को यहाँ परीलोक में, जिसकी वजह से पूरे परीलोक में असुरक्षा का माहौल बन गया है। भयंकर परी ये भली परी बन गई है नटखट परी। वो कभी भली परी नहीं बन सकती, मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में परीलोक के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि परीलोक को भली परी से कोई खतरा हो सकता है। भयंकर परी पर आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं है बालवी। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम्हारी प्यारी भरी परी की वजह से परीलोक पे कोई भी खतरा आया या परियों के लिए मुसीबत खड़ी हुई, तो याद रखना बालवी, उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। और उसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जादुई जूतों के नाचने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन तुम्हें बिना जादुई जूतों के नाचना सीखना ही होगा, क्योंकि DOTY के फाइनल्स में तुम्हें जादुई नाचने वाले जूते नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, कल DOTY का फाइनल है, प्लीज प्रैक्टिस करना, मेरी नाक मत कटवा देना। अपनी नाक नहीं कटवानी है तो डांसर ऑफ द ईयर से मानव का नाम कटवा दे। मैं किसकी नाक कटेगी और किसका नाम होगा वो हमें कल ही दिखाई देगा फाइनल्स में। मोंटू अब जाए यहाँ से। सोच लिया मैं, आज जस्ट अभी अभी दो बच्चों ने मेरे वजह से नाम कटवा दिया। हाँ, मोंटू बच्चों ने बहुत सारे गेम्स और चॉकलेट्स भी है। क्या रे बेल्कू, कुछ भी बकी जा रहा है, ये सब नहीं बोलना था, गुदा गई। मैं इसकी बातों पे ध्यान मत दे, समझी ना, वो तो कुछ भी बकी जा रहा था। वो बच्चे तो मेरा डांस देखकर डर गए। पिद्दी लोग, बेटर है कि तुम दोनों में मुझसे डरा करो। को तुम्हें? हम तुमसे नहीं डरते मोंटू, समझी? और मेहनत करूंगा और तुम्हें हरा के दिखाऊंगा बस। ए मानव, नहीं डरता ना तो भी डरना शुरू कर दे और छोड़ दे यार डांसर ऑफ द ईयर बनने का सपना। कि तेरा ये सपना है ना, इस पाउडर की तरह हवा में मिलने वाला है। सारी परी, हमने परी उत्सव के लिए परी मैदान की पूरी तरह सफाई करवा दी है और रंग बिरंगे सितारों की रोशनी से सजावट का काम भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा किया, लेकिन ध्यान रहे सजावट आज रात तक पूरी हो जानी चाहिए। रानी परी,
हम सब परियों में सबसे ज्यादा उत्सुकता तो ये जानने की है कि इस बार आप किस खास सवारी पर परी तारा को परी उत्सव में लेकर आएंगे। हाँ। हाँ। पिछली बार तो आप 10 हाथियों की सवारी पर परी तारा को लेकर आए थे और उससे पिछली बार 21 घोड़ों के रथ पर। इस बार क्या खास होगा? इस बार भी परी तारा की सवारी बिल्कुल खास और अलग होगी। हम अभी दिखाते हैं कि वो सवारी क्या है। सुंदर और विशाल भी। रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सोच रही थी कि हम में से दो परियां इस उड़न खटोले पर बैठ जाएं और परी उत्सव से पहले इसकी जांच करें ताकि पता चल जाए कि उड़न खटोला सही से उड़ रहा है या नहीं। आज्ञा है। जी, जी। अटकाती परी, भटकाती परी, खुजली करने का अब मिट गई थी खुजली। बल मेरे हाथ में भी बहुत खुजली हो रही है। मिटाओ मिटाओ मैं नहीं बस सॉरी। सोचो यार सोचो कुत्तो। अबे घटे खुजाते खुजाते सोचो। बस हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। मतलब यही तो एक काम करना है। चल चल जा। चलो पत्ता खुजली। क्या क्या क्या? अब तालवीर को बुलाओ। अरे पागल तालवीर आएगा ना तो खुजाएगा नहीं बजाएगा। मैं तबला बजाएगा। तबला सोचो यार सोचो कुत्तो। आइडिया नहीं आया बॉस। बॉस अरे गधो मुझे आइडिया है। मैं ना बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर बच्चों की मदद जरूर करेगा। बालवीर जी बालवीर जी अपने वक्त को बचाओ। बालवीर जी मोंटू बालवीर जी अब आ गए। मोंटू तुमने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर जी मुझे बहुत खुजली हो रही है। आप इसे बंद करो ना प्लीज। नहीं मोंटू यही तुम्हारी सजा है। तुमने मानव के लिए खुजली वाला पाउडर लिया था ना अब खुद ही उसका मजा लो। सॉरी बालवीर जी। तुम हर बार ऐसा ही कहते हो और फिर से गलती करते हो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कल मेरा डांसर ऑफ द ईयर का फाइनल है और मैं अगर खुजाते रहूंगा तो मैं डांस कैसे करूंगा? और फिर मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। पर अगर तुमने दोबारा मानो को परेशान किया या फिर मुकाबला जीतने में बेमानी की तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगा। ठीक है बालवीर जी मैं वापस ऐसा कुछ नहीं करूंगा प्रॉमिस। तो फिर ठीक है। हे नटखट परी चमक जाए बिजली
बंद हो जाए मोंटू की खुजली। थैंक यू बालवीर जी। मेरी चेतावनी याद रखना। हाँ बालवीर जी। अरे मोंटू बॉस, अपने बालवीर को कैसे बदल कर दिया? क्या बीमारी नहीं करोगे? अरे बॉस, अगर आप बीमारी नहीं करोगे तो डांसर ऑफ द ईयर कैसे जीतोगे? किसने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा? मैं डबल बेईमानी करूंगा और डांसर ऑफ द ईयर बनूंगा। वाह बॉस, अब तो हाथी हो हाथी। मतलब आपके दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। अब ऐसे हाथी हो बॉस। राइट। भयंकर परी सुरंग खुद नहीं वाली थी कि इतनी देर में रानी परी ने विष्ठा दंड अपनी ओर खींच लिया। विष्ठा दंड नहीं तो कोई और हथियार दो उसे। सुरंग तो खोदनी पड़ेगी ना, मैं परी तारा कैसे चुराऊंगी? भयंकर परी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही परी लोक में थोड़ी शांति हो जाएगी हम तौबा तौबा को दूसरा औजार दे देंगे। भयंकर परी, अब हम चलते हैं। अरे ये उड़न खटोला आप लोगों के पास कैसे आया? ये उड़न खटोला परी तारा का वाहन है। इसे रानी परी ने खास तौर पर परी उत्सव के दिन परी तारा को लाने के लिए बनाया है। ओह अच्छा है, मगर इससे अच्छा तो वो वाला है, देखो। भली परी, अचानक सुरक्षा भौंपों क्यों बजने लगा है? ये क्या हो रहा है? भली परी भयंकर परी के रूप में और वो परियों के साथ लड़ रही है? नटखट परी, भयंकर परी, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो ना कि परी लोक में बिना वजह शस्त्रों का प्रयोग मना है। क्षमा कीजिए रानी परी, लेकिन भयंकर परी से परी लोक की रक्षा करने के लिए मुझे शस्त्र चलाना ही पड़ा। आप खुद ही देखिए अपनी इस भली परी का असली रूप।
देखिए कैसे ये आज भी परी लोक में तबाही मचाना चाहती है। ये सब क्या है भली परी, और तुमने भयंकर परी का रूप धारण क्यों किया है? हमने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, हमारे दिल में और परीलोक में जगह दी, तुम्हें भली परी बनाया, लेकिन तुम फिर भी परीलोक की दुश्मन भयंकर परी ही हो। बताओ क्यों धोखा दिया हम सबको, क्यों? आपके लिए और आपके परीलोक के लिए रानी परी। ये सब क्या है भयंकर परी? भयंकर परी नहीं रानी परी, मैं अब भी आपकी भली परी हूं। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा चाहती हूं, मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ उड़न खटोला और परी तारा की सुरक्षा की जांच के लिए किया, और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज की इतनी मामूली सुरक्षा की है हमने। क्यों? परी तारा और उड़न खटोले को परीलोक में किससे खतरा हो सकता है? किसी से भी हो सकता है नटखट परी। जरा सोचिए, अगर मैं भयंकर परी होती और मैंने सुरक्षा में लापरवाही का फायदा कल परी महोत्सव में उठाया होता और मैं परी तारा हासिल कर लेती तो क्या होता? मैं तो बन जाती सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कर लेती राज इस परीलोक पर मैंने ऐसा नहीं किया। नटखट परी ने मुझ पर इतने वार किए, मगर मैंने एक भी वार पलटकर वापस नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए परी तारा से ज्यादा आप सब लोगों से प्यार है, इस परीलोक से प्यार है। मगर कोई और तो कर सकता है ना, क्यों नानी परी? आप सही कह रहे हो भली परी। परी तारा और उसका वाहन उड़न खटोला की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रानी परी, मैं तो आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इस उड़न खटोले को परी मैदान में सभी परियों की सुरक्षा के बीच रखा जाए। चलाकी करने में भयंकर परी का कोई जवाब नहीं, पीछे से बुराई का वार करने के लिए आगे से कितनी भोली बन रही है। हम बहुत खुश है भली परी कि आपको परीलोक और परी उत्सव की इतनी चिंता है। जैसे आपने बताया है वैसे ही सुरक्षा की जाएगी परी तारा और उड़न खटोले की। खुश रहिए रानी परी। खुश रहो भली परी। भयंकर परी, ये आपने क्या किया? आपको ही परी तारा चुराना है और आप ही उसकी सुरक्षा बढ़ा रही है। हाँ। और अपने लिए मुश्किलें भी बढ़ा रही है। हाँ। मेरा खेल समझना इन मासूम और बेवकूफ परियों की बस की बात नहीं है। परी तारा तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, उसे मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। अगर उससे पहले उस तक पहुंचने वाली सुरंग का रास्ता साफ करना बहुत जरूरी था। मतलब ये कि अब ये सारी परियां परी मैदान में परी तारा और उड़न खटोले की सुरक्षा में लगी रहेंगी, और तौबा 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 सफाई से सुरंग खोदता रहेगा, और उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी।